हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं ये है मेरे पास आईफोन 13 प्रो मॉडल और BGMI इसके ऊपर 90 FPS पर कैसे चलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास आईफोन 13 प्रो सीरीज़ में से या 14 प्रो सीरीज़ में से कोई भी आईफोन है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर आईफोन 13 जो है BGMI को बहुत ही सही तरीके से हैंडल करता है, और मैंने जो है कम्प्लीटली अपनी गेम जो है ओपन जो है डाउनलोड वगैरह कर ली है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो आईफोन 13 प्रो की लिटरली काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस है। 90 FPS में मैंने गेम प्ले किया है और बहुत ज़्यादा स्मूथ मतलब फील होता है। काइंड ऑफ एक तो डिवाइस इतना स्पेसिफिकेशंस वाला है, फुल ऑफ स्पेसिफिकेशंस, एंड इतनी ज़्यादा सही स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी, मतलब बड़ा शानदार माहौल रहता है गेम को प्ले करने में। और हीट भी काफ़ी कम होता है। जब हम एक मैच लगा लेंगे फुल ब्राइटनेस में तो इसमें हमें हीटिंग वगैरह महसूस होगी। सो जैसे कि गाइज आप चेकआउट कर सकते हो, जस्ट होल्ड ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफिक्स सेटिंग्स। सो जस्ट होल्ड ऑन, मैं आप ब्राइटनेस इंक्रीज कर लूँ। सो देयर वी गो, अभी आप देख सकते हो ये है मेरे पास आईफोन 13 सीरीज़। सो 90 FPS अनलॉक करने के लिए आपको जाना है अपनी ग्राफिक्स वाली सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे चलते हैं सबसे पहले, फिर ग्राफिक्स वाली सेटिंग्स में जाएंगे। ये स्लाइड नहीं हो रहा यार मेरे से। चलो एनीवे सेटिंग्स में चलते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफिक्स एंड ऑडियो। अभी यहाँ पर आपको 90 FPS कैसे अनलॉक होंगे। सो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको 90 FPS में गेम प्ले करनी है तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि आपको अगर अपनी 90 FPS पे गेम प्ले करनी है तो इतनी हाई रेजोल्यूशन नहीं रखनी, इतने ग्राफिक्स हाई नहीं रखने। अगर आप HD या HDR में गेम प्ले करते हो तो इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन जल्दी हीट होगा। Ultra HD भी आईफोन में सपोर्टेड है और UHD अभी कमिंग सून है। आईफोन 13 प्रो के जो ग्राफिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अगर आपके केस में भी सेम ऐसे हैं सो जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन के यूज़र्स में 90 FPS अनलॉक नहीं हो रहा। सो वो ऐसे नहीं हो रहा क्योंकि वो खेल रहे हैं बैलेंस्ड पर या फिर HD पर या HDR या Ultra HD पर। सो उनको करना क्या है, अपनी गेम खेलनी है स्मूथ के ऊपर। सो जैसे आप स्मूथ के ऊपर रखोगे तो आपको 90 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और लिटरली 90 FPS क्या इफ़ेक्टिव गेम प्ले लगता है, मतलब आपको खुद पता चलेगा कि जितनी शानदार आप खेल रहे हो आपको महसूस होगा कि कितना सही मतलब फील हो रहा है 90 FPS पे गेम प्ले करने के बाद। सो आपको मैं एक बार FPS दिखा दूं कि किस तरीके के देखने को मिलेंगे 90 FPS, कितना स्मूथ रहता है। सो यहाँ पर मैच मेरा स्टार्ट हो गया है। जस्ट होल्ड ऑन गाइज, जस्ट होल्ड ऑन। सो अभी जो है वेटिंग, सो देयर वी गो, मैच जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ लॉबी में जाकर कि किस तरीके की गेम प्ले रहेगा, कैसे आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगी। ये जो वीडियो है वो 60 FPS पर चल रही है। सो मे बी आपको यहाँ पर आपकी YouTube में इतना स्मूथ ना दिखे, क्योंकि यहाँ पर 30 FPS 60 FPS में ये जो शूट हो रही है ना, ये जो वीडियो आप इस टाइम देख रहे हो ये 60 FPS पर शूट हो रही है, लेकिन जो फ़ोन हैंडल कर रहा है वो 90 FPS दे रहा है। और जैसे कि आप जानते हो कि आईफोन की जो डिस्प्ले है वो प्रोमोशन डिस्प्ले है। सो आईफोन जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कब इस डिस्प्ले में सिर्फ 1 Hz शो करने हैं और कब इस डिस्प्ले में 120 Hz शो करने हैं। सो वो खुद डिटेक्ट करेगा। अभी आप चेकआउट कर सकते हो, ये है 90 FPS की स्मूथनेस। आपको लिटरली ये जो जहाज़ के जो प्रोपेलर्स घूमते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, आप भी देख सकते हो। सो यहाँ पर ये आप 90 FPS देख सकते हो, क्या स्मूथनेस देखने को मिल रही है। मे बी यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है या फिर, लेकिन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि किस तरीके से 90 FPS आईफोन 13 प्रो में देखने को मिल रहे हैं। सो अभी मैं बात करता हूँ कि 90 FPS किस डिवाइस में देखने को मिलेंगे। दोस्तों जिस आईफोन की प्रोमोशन डिस्प्ले है सिर्फ उसी में आपको 90 FPS देखने को मिलेंगे, या फिर जिस आईपैड में 90 FPS से ज़्यादा वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी 90 Hz की, उसमें आपको ये फीचर अनलॉक हो जाएगा। आपको अगर आपके केस में ये चीज़ नहीं है तो आपके फ़ोन में नहीं होने वाली है। सो दिस वॉज द वीडियो। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।